नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त आपका शेफ वरुण नामदार। आज की वैसे जो हमारी रेसिपी है बड़ी नायाब सी रेसिपी है, सुनी सुनाई है, देखी दिखाई है, लेकिन फिर भी इसमें एक अलग टच होगा। ये टच होगा वरुण नामदार वाला टच। तो कैसे होगा हम देखते हैं। तो ये हम इसका नाम रखते हैं वैसे सरप्राइज केक। तो अभी सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि केक है थोड़ा उसमें लगेगा, थोड़ा काम है, थोड़े इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैं ये सारी चीज़ें ले आया हूँ और ये लिस्ट आपके पास भी है कि नहीं। तो ये लिस्ट सबसे पहले आप निकाल के रखें। इसमें कॉम्पोट की रेसिपी है, स्पंज की रेसिपी है, गार्निशेज है, आइसिंग है, देख ले आराम से। शुरुआत करते हैं अब बनाने केक की। सरप्राइज केक है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे कुछ फेवरेट इन्ग्रीडियंट। हम लेंगे क्रैनबेरीज, जितनी आपको पसंद है उतनी ले, कम पसंद है कम ले। वैसे मैंने आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है, जैसे वो देखे और ये निकाल के रखे। फिग्स है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे। ये देखिए कट चुके हैं हमारे फिग्स। इसको डाल देंगे हमारे पैन में अच्छे खासे, थोड़े से रोस्ट हो जाए पहले ये। हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। इसी के साथ हम एक और फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रूट आपने अक्सर वैसे बाजार में देखा होगा, वैसे ये है करौंदा। इसे डाल दें। इसके बाद इसे हल्का सा हम टॉस कर लेंगे, वैसे ये हो ही चुका है। और इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज जूस। अगर आप ध्यान से सोचो या ध्यान से देखो तो ये जो है जैम जैसी कंसिस्टेंसी बनेगी, लेकिन वैसा ही नहीं लगेगा जैसे एक जैम होता है, चिकना चिकना सा होता है, मीठा मीठा सा होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमको डालना पड़ेगा उसमें चीनी। इसमें डाल देते हैं थोड़े सुल्तानाज। इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रिसमस का फ्लेवर, और वो जो फ्लेवर है वो फ्लेवर है फाइव स्पाइस का। चलिए कर लेंगे इसे मिक्स। चलिए हमारा कॉम्पोट जो है देखते देखते ही तैयार हो गया है। इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में, और इसे अभी हमें ठंडा करना है। हम लेंगे एक बोल, इसमें हम ले लेंगे दही, इसके साथ हम लेंगे तेल, इसमें हम डालेंगे दूध, इसे कर लेंगे ब्लेंड। चलिए और अब हम ले लेंगे मैदा। चलिए मैदा वैसे हमने निकाल दिया है, इसको साइड में रखते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। वैसे अगर आपको कैस्टर शुगर मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल करें। चलिए इसमें डाले चीनी। चलिए इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले रिफाइंड फ्लावर मैदा, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, इसी के साथ बेकिंग पाउडर, और फ्लेवर के लिए और कलर के लिए इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा और फ्लेवर वेनिला एसेंस का। अब इसे हम बेक करने लेते हैं, लेकिन बेकिंग के लिए हमें लगेगा एक केक मोल्ड। सबसे पहले इसमें डालें 2 से 3 ड्रॉप्स तेल के, और इसमें अब हम डालेंगे कोको पाउडर। ये देखो बढ़िया। और इसे अब हम बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट। चलिए स्पंज पे डाल देते हैं सबसे पहले हमारा कॉम्पोट। ये लीजिए, इसके साथ हम ले लेंगे थोड़ी सी क्रीम, ज्यादा नहीं हम लेंगे। इसके बाद हम इस पर रखेंगे हमारा दूसरा स्पंज, और इसके ऊपर अब हम डालने लेंगे क्रीम। सबसे पहले तो इसे स्प्रेड कर ले अच्छी तरह से, इसके बाद इसे साइड में डालने ले। तो सबसे पहले चॉकलेट लगाते हैं। बढ़िया, अब हमें इस पर रखना है इस तरह से रोजेट्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ चेरीज। ये देखिए हम इस पर डाल देंगे कुछ क्रिसमस के हमारे गार्निशेस, स्नोमैन। इसके साथ हम डालेंगे छोटे छोटे से क्रिसमस ट्रीज,
छोटी सी एक सेंटा हैट, ये छोटी सी एक स्टिक, और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज। तो ऐसी ही बढ़िया रेसिपीज के साथ जुड़े रहें, हम होने वाले हैं कुछ और दिन साथ में, है कि नहीं बढ़िया। तो आप मैं फिर मिलेंगे कल। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और जैसे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा है, टेंशन नहीं लेने का मामू आपुन है ना, तो मस्त रहने का, केक बनाने का। कल मिलेंगे इसी समय, टेक केयर।